नमस्कार दोस्तों, अजय देवगन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1991 में फूल और कांटे फिल्म से की थी। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ मधु और अमरीश पुरी दिखाई दिए। बजट 3 करोड़ था और कमाई फिल्म ने 12 करोड़ की और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। 1992 में फिल्म आई जिगर। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ करिश्मा कपूर थी और यह फिल्म का बजट 2 करोड़ का था। कमाई 7 करोड़ 50 लाख की हुई और फिल्म हिट साबित हुई। अगली फिल्म 19 फरवरी 1993 में आई जिसका नाम था दिव्य शक्ति। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ अमरीश पुरी भी दिखाई दिए और फिल्म का बजट 1 करोड़ 85 लाख का था। कमाई 2 करोड़ की हुई और फिल्म फ्लॉप हो गई। 23 अप्रैल 1993 में अगली फिल्म आई प्लेटफॉर्म। इस फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट था 1 करोड़ 85 लाख का। कमाई 1 करोड़ की हुई और फिल्म डिसास्टर साबित हुई। अगली फिल्म 18 जून 1993 को आई जिसका नाम था संग्राम। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ अमरीश पुरी, डैनी और करिश्मा कपूर थी। बजट 3 करोड़ 10 लाख का और कमाई फिल्म ने 4 करोड़ 20 लाख की और फिल्म फ्लॉप हो गई। 1993 में अगली फिल्म आई शक्तिमान। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ करिश्मा कपूर, गुलशन ग्रोवर थे। फिल्म का बजट 2 करोड़ 70 लाख का था और कमाई 4 करोड़ 50 लाख की हुई और फिल्म एवरेज साबित हुई। 1993 में अगली फिल्म आई दिल है बेताब। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ कादर खान भी दिखाई दिए। फिल्म का बजट 2 करोड़ और कमाई 1 करोड़ 50 लाख की हुई और फिल्म डिसास्टर साबित हुई। 1993 में अगली फिल्म आई एक ही रास्ता। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ रवीना टंडन दिखाई दी और फिल्म का बजट 2 करोड़ 36 लाख का था। कमाई 4 करोड़ 30 लाख की हुई और फिल्म एवरेज साबित हुई। 1993 में अगली फिल्म आई धनवान। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ मनीषा कोइराला और करिश्मा कपूर थी। बजट 1 करोड़ 60 लाख का था। कमाई 2 करोड़ 61 लाख की हुई और फिल्म डिसास्टर साबित हुई। 12 नवंबर 1993 को अगली फिल्म आई बेदर्दी। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ नसरुद्दीन शाह, उर्मिला थे। बजट 1 करोड़ 79 लाख का था। कमाई 5 करोड़ 39 लाख की हुई और फिल्म फ्लॉप हो गई। अगली फिल्म 1 अप्रैल 1994 को आई जिसका नाम था कानून। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो फिल्म का बजट 1 करोड़ 55 लाख का था। कमाई 2 करोड़ 63 लाख की हुई और फिल्म डिसास्टर साबित हुई। 5 अगस्त 1994 को अगली फिल्म आई विजयपथ। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ डैनी और ताबू थे और फिल्म का बजट 2 करोड़ 75 लाख का था। कमाई 11 करोड़ 54 लाख की हुई और फिल्म हिट साबित हुई। अगली फिल्म 4 फरवरी 1994 को आई दिलवाले। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ परेश रावल, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन थी। फिल्म का बजट 2 करोड़ 10 लाख का था और कमाई 12 करोड़ की हुई और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। 4 नवंबर 1994 को अगली फिल्म आई जिसका नाम था सुहाग। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ करिश्मा कपूर, अक्षय कुमार दिखाई दिए। बजट 3 करोड़ और फिल्म ने कमाई की 12 करोड़ 14 लाख की और फिल्म हिट हो गई। 17 मार्च 1995 को अगली फिल्म आई नाजायज। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ जूही चावला और नसरुद्दीन शाह दिखाई दिए। फिल्म का बजट 3 करोड़ 25 लाख का था और फिल्म ने कमाई की 10 करोड़ की और यह फिल्म हिट साबित हुई। अगली फिल्म 4 अगस्त 1995 को आई जिसका नाम था हलचल। इस फिल्म में अजय के साथ विनोद खन्ना, अमरीश पुरी और काजल थे। फिल्म का बजट 4 करोड़ 50 लाख का था। कमाई 8 करोड़ 80 लाख की हुई और फिल्म वैल्यू एवरेज साबित रही। 8 सितंबर 1995 को अगली फिल्म आई गुंडा राज। इस फिल्म में अजय के साथ काजल थी और फिल्म का बजट 4 करोड़ 25 लाख का था। कमाई 8 करोड़ 65 लाख की हुई और फिल्म एवरेज साबित हुई। 29 दिसंबर 1995 को फिल्म आई हकीकत। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ ताब्बू थी और यह फिल्म का बजट 4 करोड़ का था। कमाई 10 करोड़ 60 लाख की हुई और यह फिल्म एवरेज साबित रही। 19 अप्रैल 1996 को फिल्म आई जंग। इस फिल्म में अजय के साथ आदित्य पंचोली और मिथुन थे और फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो फिल्म का बजट 4 करोड़ का था और फिल्म ने कमाई की 9 करोड़ की और फिल्म एवरेज साबित रही। 17 मई 1996 को अगली फिल्म आई जान। इस फिल्म में अजय के साथ ट्विंकल खन्ना और अमरीश पुरी दिखाई दिए और फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो बजट 4 करोड़ 75 लाख का था और कमाई 18 करोड़ की हुई और फिल्म हिट हो गई। 20 सितंबर 1996 को अगली फिल्म आई जिसका नाम था दिल जले। इस फिल्म में अजय के साथ सोनाली बेंद्रे और मधु दिखाई दी और फिल्म के बजट की बात करें तो 5 करोड़ और कमाई 16 करोड़ की और यह फिल्म हिट साबित हुई। अगली फिल्म 20 जून 1997 को आई जिसका नाम था इतिहास। इस फिल्म में अजय के साथ
ट्विंकल खन्ना और अमरीश पुरी दिखाई दिए। फिल्म का बजट 5 करोड़ का था, कमाई 10 करोड़ 88 लाख की हुई और फिल्म एवरेज साबित रही। अगली फिल्म 28 नवंबर 1997 को आई। इस फिल्म का नाम था इश्क। इस फिल्म में अजय के साथ आमिर खान, जूही चावला और काजल थीं और इस फिल्म का बजट 11 करोड़ का था। फिल्म ने कमाई की 45 करोड़ 62 लाख की और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। 26 जून 1998 को फिल्म आई मेजर साहब। इस फिल्म में अजय के साथ अमिताभ बच्चन भी दिखाई दिए और फिल्म का बजट 8 करोड़ 75 लाख का था। कमाई 23 करोड़ 22 लाख की हुई और यह फिल्म सेमिट साबित रही। 15 जुलाई 1998 को अगली फिल्म आई प्यार तो होना ही था। इस फिल्म में अजय के साथ काजल दिखाई दी और फिल्म का बजट 7 करोड़ 50 लाख का था और फिल्म ने कमाई की 38 करोड़ 28 लाख की और यह फिल्म सुपरहिट साबित रही। 25 सितंबर 1998 को फिल्म आई सर उठा के जियो। इस फिल्म में अजय के साथ सलमान खान भी दिखाई दिए और फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो फिल्म का बजट 2 करोड़ 25 लाख का था। फिल्म ने कमाई की 3 करोड़ 13 लाख की और यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 25 दिसंबर 1998 को फिल्म आई जख्म। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट था 4 करोड़ 60 लाख का। फिल्म ने कमाई की 7 करोड़ 45 लाख की और फिल्म फ्लॉप हो गई। 19 फरवरी 1999 को अगली फिल्म आई कच्चे धागे। इस फिल्म में अजय के साथ सैफ अली खान, मनीषा भी दिखाई दी और यह फिल्म का बजट 10 करोड़ का था और कमाई 29 करोड़ की हुई और यह फिल्म हिट साबित हुई। 23 जुलाई 1999 को अगली फिल्म आई हिंदुस्तान की कसम। इस फिल्म में अजय देवगन ने डबल रोल किया है और इस फिल्म में अजय देवगन के साथ अमिताभ बच्चन भी दिखाई दिए हैं और फिल्म का बजट 13 करोड़ था। कमाई 26 करोड़ 65 लाख की हुई और यह फिल्म एवरेज साबित रही। 7 मई 1999 को अगली फिल्म आई होगी प्यार की जीत। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट था 6 करोड़ और कमाई 18 करोड़ की हुई और फिल्म सेमिट साबित रही। 18 जून 1999 को फिल्म आई हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म में अजय के साथ माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और सलमान खान भी थे। फिल्म का बजट 16 करोड़ और कमाई 51 करोड़ 40 लाख की हुई और फिल्म हिट हो गई। 24 सितंबर 1999 को फिल्म आई दिल क्या करे। इस फिल्म में अजय के साथ काजल भी दिखाई दी और इस फिल्म के बजट की बात करें तो 9 करोड़ था। कमाई 20 करोड़ की हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 12 नवंबर 1999 को अगली फिल्म आई जिसका नाम था गैर। इस फिल्म में अजय के साथ रवीना टंडन भी दिखाई दी और यह फिल्म 3 करोड़ 50 लाख में बनी और कमाई 5 करोड़ 42 लाख की हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 3 दिसंबर 1999 को अगली फिल्म आई तक्षक। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करते हैं तो इस फिल्म का बजट 6 करोड़ 50 लाख का था। कमाई 6 करोड़ 53 लाख की हुई और यह फिल्म डिसेस्टर साबित रही। 11 अगस्त 2000 में अगली फिल्म आई जिसका नाम था दीवाने। इस फिल्म में अजय के साथ उर्मिला भी दिखाई दी और यह फिल्म 8 करोड़ 50 लाख में तैयार हुई और इस फिल्म ने कमाई की 12 करोड़ 26 लाख की और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 29 दिसंबर 2000 में अगली फिल्म आई राजू चाचा। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो बजट 25 करोड़, कमाई 20 करोड़ 92 लाख की हुई और यह फिल्म बहुत बुरी तरह से डिसास्टर साबित रही। 10 अगस्त 2001 में अगली फिल्म आई ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म में अजय के साथ माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंता थे और यह फिल्म का बजट 8 करोड़ 50 लाख का था। कमाई 15 करोड़ 70 लाख की हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 21 अगस्त 2001 में अगली फिल्म आई लज्जा। इस फिल्म में अजय के साथ जैकी श्रॉफ भी दिखाई दिए और इस फिल्म का बजट 22 करोड़ का था। कमाई 34 करोड़ 29 लाख की हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 16 नवंबर 2001 में अगली फिल्म आई जिसका नाम था तेरा मेरा साथ रहे। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो फिल्म का बजट 5 करोड़ 75 लाख का था और कमाई 5 करोड़ 65 लाख की हुई और यह फिल्म बहुत बुरी तरह से डिसास्टर साबित रही। 12 अप्रैल 2002 में अगली फिल्म आई जिसका नाम था कंपनी। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करते हैं तो इस फिल्म का बजट 9 करोड़ 50 लाख का था। कमाई 25 करोड़ 2 लाख की हुई और यह फिल्म एवरेज साबित रही। 31 मई 2002 में अगली फिल्म आई हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म में अजय के साथ ऐश्वर्या राय, संजय दत्त और अमिताभ बच्चन थे। फिल्म का बजट 19 करोड़ का था और फिल्म ने कमाई की 22 करोड़ 80 लाख की और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 7 जून 2002 में अगली फिल्म आई द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म का बजट
20 करोड़ का था और कमाई 12 करोड़ 90 लाख की हुई और यह फिल्म बहुत बुरी तरह से डिसास्टर साबित रही। 25 अक्टूबर सन 2002 में अगली फिल्म आई दीवानगी। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ उर्मिला अक्षय खन्ना थे और यह फिल्म का बजट 9 करोड़, कमाई 20 करोड़ 32 लाख की हुई और यह फिल्म एवरेज साबित। 23 मई 2003 में अगली फिल्म आई जिसका नाम था भूत। इस फिल्म में अजय के साथ नाना पाटेकर फरदीन भी दिखाई दिए। फिल्म का बजट 6 करोड़ 75 लाख का था, कमाई 23 करोड़ 96 लाख की हुई और यह फिल्म हिट हो गई। 11 जुलाई सन 2003 में अगली फिल्म आई जिसका नाम था कयामत। इस फिल्म में अजय के साथ सुनील शेट्टी संजय कपूर भी दिखाई दिए। फिल्म 16 करोड़ में बनी, कमाई 28 करोड़ 56 लाख की हुई और यह फिल्म एवरेज साबित रही। 1 अगस्त सन 2003 में फिल्म आई चोरी चोरी। इस फिल्म में अजय के साथ रानी मुखर्जी भी थी और इस फिल्म का बजट 7 करोड़ 50 लाख का था और फिल्म ने कमाई की 6 करोड़ 4 लाख की। फिल्म डिसास्टर साबित रही। 29 अगस्त सन 2003 में अगली फिल्म आई गंगाजल। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट था 7 करोड़ 25 लाख का, कमाई 16 करोड़ 67 लाख की हुई। फिल्म एवरेज साबित रही। 12 सितंबर सन 2003 में अगली फिल्म आई जिसका नाम था परवाना। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट था 6 करोड़ 75 लाख का, कमाई 7 करोड़ 7 लाख की और फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप साबित रही। 16 सितंबर 2003 में अगली फिल्म आई जिसका नाम था जमीन। इस फिल्म में अजय के साथ अभिषेक भी दिखाई दिए। बजट 11 करोड़ और कमाई 17 करोड़ 80 लाख की हुई और फिल्म बेलो एवरेज साबित रही। 12 दिसंबर सन 2003 में फिल्म आई LOC कारगिल। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट 33 करोड़ का था, कमाई 31 करोड़ 67 लाख की हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 23 जनवरी सन 2004 को फिल्म आई खाकी। इस फिल्म में अजय के साथ अक्षय और अमिताभ बच्चन भी दिखाई दिए। फिल्म का बजट 25 करोड़ और कमाई 45 करोड़ 40 लाख की हुई। फिल्म एवरेज साबित रही। 9 अप्रैल सन 2004 को अगली फिल्म आई मस्ती। यह एक बहुत ही कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो बजट 12 करोड़ और कमाई 34 करोड़ 14 लाख की हुई और फिल्म हिट हो गई। 6 अगस्त सन 2004 को अगली फिल्म आई टार्जन द वंडर कार। यह बहुत ही कॉमेडी फिल्म है, साथ में इस फिल्म में एक्शन भी दिखाया गया है। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट 14 करोड़ का था और कमाई 6 करोड़ 20 लाख की हुई। यह फिल्म बहुत बुरी तरह से डिसास्टर साबित रही। 24 दिसंबर सन 2004 को फिल्म आई रेनकोट। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो बजट 5 करोड़ और कमाई 4 करोड़ 87 लाख की हुई और फिल्म डिसास्टर साबित रही। 21 मई सन 2004 को अगली फिल्म आई युवा। इस फिल्म में अजय के साथ अभिषेक बच्चन भी दिखाई दिए और फिल्म का बजट 12 करोड़ का था, कमाई 24 करोड़ 48 लाख की हुई। फिल्म बेलो एवरेज साबित रही। 14 जनवरी सन 2005 को फिल्म आई इंसान। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार और तुषार भी दिखाई दिए। फिल्म का बजट 12 करोड़ 50 लाख का था, कमाई 14 करोड़ 41 लाख की हुई और फिल्म डिसास्टर साबित हुई। 28 जनवरी सन 2005 को फिल्म आई ब्लैकमेल। इस फिल्म में अजय के साथ सुनील शेट्टी और प्रियंका चोपड़ा भी थी। फिल्म का बजट 9 करोड़ 50 लाख का था, कमाई 6 करोड़ 60 लाख की हुई और फिल्म बहुत बुरी तरह से डिसास्टर साबित रही। 4 मार्च सन 2005 को फिल्म आई जमीर। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो फिल्म का बजट था 4 करोड़ 58 लाख का, फिल्म ने कमाई की 1 करोड़ 58 लाख की। फिल्म डिसास्टर साबित रही। 25 मार्च सन 2005 को फिल्म आई टैंगो चार्ली। इस फिल्म में अजय के साथ बॉबी भी दिखाई दिए और फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो बजट 13 करोड़ 50 लाख का था, कमाई 11 करोड़ 50 लाख की हुई और यह फिल्म डिसास्टर साबित रही। 29 अप्रैल सन 2005 को फिल्म आई कार। इस फिल्म में अजय के साथ जॉनी ब्रायन भी दिखाई दिए और फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो बजट 13 करोड़ का था, कमाई 33 करोड़ 12 लाख की हुई और यह फिल्म एवरेज साबित रही। 6 मई सन 2005 को फिल्म आई मैं ऐसा ही हूँ। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट 7 करोड़ 50 लाख का था, कमाई 5 करोड़ 17 लाख की हुई और यह फिल्म डिसास्टर साबित रही। 2 दिसंबर सन 2005 को फिल्म आई अपहरण। इस फिल्म में अजय के साथ नाना पाटेकर भी दिखाई दिए। फिल्म का बजट 11 करोड़, कमाई 24 करोड़ और फिल्म सैमिट साबित रही। 30 दिसंबर सन 2005 को फिल्म आई शिखर। इस फिल्म में उन अजय के साथ शाहिद कपूर भी थे और इस फिल्म का बजट था 14 करोड़। फिल्म ने कमाई की 10 करोड़ 35 लाख की और यह फिल्म डिसास्टर साबित रही। 10 फरवरी 2006 को फिल्म आई धरती कहे पुकार के।
यह एक भोजपुरी फिल्म है। इस फिल्म में मेन लीड में अजय देवगन और मनोज तिवारी थे और यह फिल्म सुपरहिट साबित रही। 14 जुलाई 2006 को फिल्म आई गोलमाल। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट 15 करोड़ का था, कमाई 46 करोड़ 72 लाख की हुई और यह फिल्म हिट साबित हुई। 28 जुलाई 2006 को फिल्म आई ओमकारा। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट था 26 करोड़ और कमाई 42 करोड़ 41 लाख की हुई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित रही। 3 अगस्त सन 2007 को फिल्म आई कैश। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट था 32 करोड़ और इस फिल्म ने कमाई की 30 करोड़ की और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 24 अगस्त सन 2007 को फिल्म आई राम गोपाल वर्मा की आग। इस फिल्म का बजट 21 करोड़ का था, कमाई 12 करोड़ 73 लाख की हुई और यह फिल्म डिजास्टर साबित रही। 11 जनवरी सन 2008 को आई फिल्म हल्ला बोल। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट 20 करोड़ और कमाई 19 करोड़ 39 लाख की हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 25 जनवरी सन 2008 को अगली फिल्म आई संडे। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो बजट 22 करोड़, कमाई 31 करोड़ 96 लाख की हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 11 अप्रैल सन 2008 को फिल्म आई यूमी और हम। बजट 25 करोड़ और कमाई 40 करोड़ 2 लाख की हुई और फिल्म फ्लॉप हो गई। 11 जुलाई सन 2008 को फिल्म आई महबूबा। इस फिल्म में अजय के साथ संजय दत्त और मनीषा थी। बजट 22 करोड़, कमाई 3 करोड़ 78 लाख की हुई और यह फिल्म बहुत बुरी तरह से डिजास्टर साबित रही। 30 अक्टूबर सन 2009 में फिल्म आई लंदन ड्रीम्स। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो बजट 45 करोड़, कमाई 45 करोड़ 34 लाख की हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 4 जून सन 2010 को फिल्म आई राजनीति। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट था 45 करोड़, कमाई 145 करोड़ 50 लाख की हुई और यह फिल्म सुपरहिट साबित रही। 28 जनवरी सन 2011 को फिल्म आई दिल तो बच्चा है जी। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो बजट 29 करोड़, कमाई 40 करोड़ 46 लाख की हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 12 जुलाई सन 2011 को फिल्म आई सिंघम और इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो बजट 41 करोड़ का था और कमाई 148 करोड़ की हुई और यह फिल्म सुपरहिट साबित रही। 6 अक्टूबर सन 2011 को फिल्म आई रास्कल्स। इस फिल्म में अजय के साथ संजय दत्त थे। बजट 46 करोड़ और कमाई 51 करोड़ 1 लाख की हुई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 12 अगस्त सन 2012 को फिल्म आई तेज। इस फिल्म में अजय के साथ अनिल कपूर भी थे और फिल्म का बजट 52 करोड़ का था, कमाई 26 करोड़ की हुई और यह फिल्म बहुत बुरी तरह से डिजास्टर साबित रही। 6 जुलाई सन 2012 को फिल्म आई बोल बच्चन। इस फिल्म में अजय के साथ अभिषेक बच्चन भी दिखाई दिए। बजट 65 करोड़ और कमाई 175 करोड़ की हुई और यह फिल्म हिट हो गई। 13 नवंबर सन 2012 को फिल्म आई सन ऑफ सरदार। इस फिल्म में अजय के साथ संजय दत्त, सलमान खान भी थे और इस फिल्म का बजट 40 करोड़ का था और यह फिल्म ने कमाई की 150 करोड़ की और यह फिल्म सुपरहिट साबित रही। 29 मार्च सन 2013 को फिल्म आई हिम्मत वाला। इस फिल्म में अजय के साथ तमन्ना भाटिया भी दिखाई दी। फिल्म का बजट 68 करोड़ और कमाई 65 करोड़ 79 लाख की हुई और फिल्म फ्लॉप हो गई। 30 अगस्त सन 2013 को फिल्म आई सत्याग्रह। इस फिल्म में अजय के साथ करीना कपूर भी थी और इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें बजट 60 करोड़, कमाई 91 करोड़ 5 लाख की हुई और यह फिल्म एवरेज साबित रही। 15 अगस्त 2014 को फिल्म आई सिंघम रिटर्न। इस फिल्म में अजय के साथ करीना कपूर थी। फिल्म का बजट 70 करोड़ और कमाई 219 करोड़ की हुई और यह फिल्म भी सुपरहिट साबित रही। 5 दिसंबर सन 2014 को फिल्म आई एक्शन जैक्सन। इस फिल्म का बजट 80 करोड़ का था और फिल्म ने कमाई की 88 करोड़ 80 लाख की और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। 31 जुलाई सन 2015 को अगली फिल्म आई जिसका नाम था दृश्यम। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो फिल्म का बजट था 38 करोड़ और कमाई 110 करोड़ 40 लाख की हुई और यह फिल्म हिट हो गई। अगली फिल्म 28 अक्टूबर सन 2016 को फिल्म आई सिवाय। इस फिल्म का बजट 100 करोड़, कमाई 187 करोड़ 29 लाख की हुई और यह फिल्म बेलो एवरेज साबित रही। 1 सितंबर 2017 को फिल्म आई बादशाह। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो फिल्म का बजट था 90 करोड़ और फिल्म ने कमाई की 130 करोड़ 50 लाख की और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। अगली फिल्म 20 अक्टूबर सन 2017 को आई जिसका नाम था गोलमाल अगेन। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो फिल्म का बजट था 72 करोड़ का, फिल्म ने कमाई की 315 करोड़ की और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित रही। 19 फरवरी सन 2018 को फिल्म आई आपला मानुस।
इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो बजट 5 करोड़, कमाई 20 करोड़ 50 लाख की हुई और यह फिल्म हिट हो गई। 16 मार्च 2018 को फिल्म आई रेड। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट 35 करोड़ का था। फिल्म ने कमाई की 154 करोड़ 19 लाख की और फिल्म सुपरहिट साबित रही। 22 फरवरी 2019 को फिल्म आई टोटल धमाल। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट था 80 करोड़ का और फिल्म ने कमाई की 228 करोड़ की और यह फिल्म हिट हो गई। 17 मई 2019 को फिल्म आई दे दे प्यार दे। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ ताबू भी थी और फिल्म का बजट 75 करोड़ का था। कमाई 139 करोड़ की हुई और यह फिल्म हिट हो गई। 10 जनवरी 2020 को फिल्म आई तानहा जी। इस फिल्म में अजय के साथ काजल और सैफ अली खान थे। बजट 125 करोड़ का था। कमाई 368 करोड़ की हुई और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित रही। 5 नवंबर 2021 में फिल्म आई सूर्यवंशी। इस फिल्म में मेन लीड में अक्षय कुमार और रणवीर सिंह थे और फिल्म का बजट 180 करोड़ का था। फिल्म ने कमाई की 293 करोड़ की और यह फिल्म सुपरहिट साबित रही। 13 अगस्त 2021 में फिल्म आई भुज। इस फिल्म में अजय के साथ संजय दत्त भी थे और फिल्म का बजट था 100 करोड़ का और इस फिल्म ने कमाई की 112 करोड़ की और यह फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप साबित रही। 25 फरवरी 2022 को फिल्म आई गंगूबाई कठियावाड़ी। इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का बजट 125 करोड़ का था। कमाई 194 करोड़ 90 लाख की हुई और यह फिल्म हिट हो गई। 25 मार्च 2022 को फिल्म आई ट्रिपल आर। इस फिल्म में अजय के साथ जूनियर एनटीआर रामचरण भी थे। फिल्म का बजट 450 करोड़ का था। फिल्म ने कमाई की 1135 करोड़ 80 लाख की और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित रही। 29 अप्रैल 2022 को फिल्म आई रनवे 34। इस फिल्म में अजय के साथ अमिताभ बच्चन भी थे। फिल्म का बजट 80 करोड़ का था और कमाई की 51 करोड़ 70 लाख की और फिल्म फ्लॉप हो गई। 30 मार्च 2023 को अगली फिल्म आई भोला। इस फिल्म का बजट था 100 करोड़ और कमाई 121 करोड़ की हुई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेम हिट साबित रही। तो दोस्तों, ये था अजय देवगन जी का आज तक का फिल्मी करियर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको अजय देवगन की सबसे बढ़िया फिल्म कौन सी लगी और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।